अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ये है गुलाम मुर्तजा बास्किन रॉबिन फ्रॉम बैरिया टाउन लाहौर। ठीक है, ये मानी जानी शख्सियत है, आपने इसे पहले भी कभी देखा होगा। ठीक है, ये इसकी हरकतों से नोट करें, इसका और इसके बाद मैं अली भाई की तरफ जाता हूँ। अली भाई, अली भाई बहुत अच्छे भाई हैं, अल्लाह पाक इन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। इन्होंने हमें ट्रेन किया था बास्किन में पहले दिन, इसने बहुत अच्छा हमारे साथ सलूक किया था। और ये दांत निकाल रहे हैं, मर्जी है इनकी। ये है हमारे फ्लेवर, बेहतरीन फ्लेवर है। अब चलते हैं तनवीर भाई की तरफ। ये है तनवीर भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने लगे। आप देख सकते हैं हमारी जान वाली हस्ती हमारे सामने है, बास्किन की शान। तनवीर भाई उधर से जाते हैं, देखते हैं तनवीर भाई क्या कर रहे हैं। जी तनवार भैया, तनवीर भाई क्या कर रहे हैं? मैं ना आपकी क्लोजिंग के टाइम हम पार्सल जो काट के जाते हैं नेक्स्ट पिज्जा स्लाइस बना के न्यू टब के अंदर लगा दें जो हम मुस्लिम यूज करते हैं। माशाल्लाह वेरी गुड, ताकि हमारी स्पॉइलेज बहुत कम हो, हमारी आइसक्रीम वेस्ट ना हो। गुड। अच्छा, आपको ये सीखने में कितना वक्त लगा और किसने आपको ट्रेन किया था? कितना अर्सा हो गया आपको बास्किन में? मुझे फरवरी में मैं आया था, फरवरी में इस ब्रांच में आया था और 15 जनवरी को हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। और हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी एम्पोरियम मॉल में। एम्पोरियम मॉल में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। और ये मुझे बताएंगे ये इसका इस ब्रांच का इफ्तिताह कब हुआ था, ओपनिंग कब हुई थी? ओपनिंग हुई थी 8 फरवरी को हुई थी। 8 फरवरी को? 8 फरवरी को ओपन होगी। 1 फरवरी को, ठीक है। अच्छा ये बताएं मुझे कि पहले दिन सेल कितनी हुई थी यहाँ पे? सेल अलहमदिल्ला हमारी बहुत अच्छी हुई थी, यहाँ पे लोगों से मिलकर कस्टमर डील कर हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। यहाँ पे कस्टमर हमारे साथ आते हैं, हमारा कस्टमर के साथ अच्छा ताल्लुक बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे कस्टमर डीलिंग करने का, और इंशाल्लाह हम अपनी इसी तरह सर्विस देते रहेंगे कस्टमर्स को, क्योंकि अगर आपका कस्टमर आपसे खुश है तो आपका ब्रांड बहुत ऊपर तक जा सकता है। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है हम अपने कस्टमर्स को यहाँ से सेटिस्फाइड करके भेजें, कस्टमर हमसे खुश हो के जाए। कस्टमर हमारे पास आए घर से नाराज़ हो के आया तो वो हमसे इस तरह खुश हो के जाए, वो अपने वो लम्हात वो जो उसके तासरात हैं यानी कि वो घर से नाराज़ हो के आया तो उसकी नाराज़गी यहाँ पे आके दूर होनी चाहिए। हमारी ये कोशिश होती है कस्टमर खुश हो के जाए, उसकी ज़िंदगी का वो बेहतरीन दिन हो, वो बेहतरीन लम्हा हो के वो बास्किन रॉबिन पर आया है। थैंक यू जी। मुर्तजा भाई आप कब से चमले मार रहे हैं, कोई अच्छी बात सुना दें आप। अच्छा आप मुझे ये बताएं मुर्तजा भाई, बैरिया की वाम कैसी लगी आपको? भाई बैरिया की वाम बहुत अच्छी है, लेकिन बैरिया के गार्ड इतने बदतमीज तरीन इंसान हैं। ओह माय गॉड, डिलीवरी देने जाते हैं गेट पे रोक लेते हैं, ये गेट नहीं इंटर होना वो आगे वाले गेट पे इंटर होना। अच्छा भाई बास्किन रॉबिन के मुलाजिम है, ये जौन सी मर्जी गेट से जाए हमें रोकने वाला कोई नहीं। यार तुम क्या करते हो, इस गेट पे नहीं जाना, डिलीवरी देने जा रहे हैं, डिलीवरी टाइम पे नहीं पहुंचे। कभी बदतमीजी की आपके साथ उन्होंने? उन्होंने एक दफ़ा बदतमीजी की थी। तो आपका रिएक्शन कैसा था? तो मैंने उसको बस फोन पे कहा था कि सर ये वैसे बाउंड रहा है, तो उसने मुझे पकड़ा और हेड ऑफिस ले गया, 300 का टीका ठोक दिया। अच्छा चलान कर दिया आपका? यार चलान बगैर हेलमेट था मुझे। ये तो आपकी गलती है ना, ये तो आपकी मिस्टेक है, हेलमेट लेके घर से निकलते हैं। हेलमेट था वो टूट गया था, वो नीचे ही टिकी थे। अच्छा फिर तो टीका ठीक लगा आपको? नहीं यार कोई एहसास होना चाहिए मजदूर का, मजदूर का साथ होना चाहिए कि यार ये मेरे नाल का काम करता है, मेरे नाल का काम करता है। अच्छा अली भाई आप ये बताएं आपका रहायशी कहाँ से है? बेसिकली मैं भावलपुर का रहने वाला हूँ। मुझे मेरे एक दोस्त ने दावत दी कि आप बास्किन रॉबिन पे आएँ, यहाँ पे काम करें, आपको काम करके अच्छा लगेगा। हम यहाँ पे एक फैमिली की तरह रहते हैं, हमारा अपने घर से ज़्यादा वक्त बास्किन पे गुजरता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यहाँ पे अच्छा महसूस होता है। हमारा दिल करता है हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर काम करें, फैमिली की तरह हम यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं आपस में, और सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे मिले हमें, और कस्टमर भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो हम आपस में बहन भाइयों की तरह रहते हैं। तो
अच्छा यहाँ पे आप किराए पे रहते हैं? जो बास्किंग के फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप आएँ, इंशाल्लाह आपको अच्छी कस्टमर सर्विस हम देंगे, अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हमारी तो कोशिश ये है कि आप उनसे खुश हो गए। ओके तनवीर भाई, आपको कमेंट देना चाहेंगे तो बताएं प्लीज़। थोड़ा सा एक मिनट फ्री होकर आपके साथ डिस्कस करता हूँ, सिर्फ दो मिनट मुझे दीजिए, मैं पार्शियल। ठीक है, आप दो मिनट के बाद अंदर कमरे में आ जाइए। दो मिनट बाद ना मैं आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ, क्योंकि मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बास्किन में एक नाम कमाया है। तनवीर भाई ने अपना नाम बनाया बास्किन रोड, चल पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हमारे आसिम भाई हैं। कैसे हैं आसिम भाई? गाइस कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, हम खैरियत से हैं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। ये अंदर से अभी ताज़ी ताज़ी एसी की हवा खा के आ रहे हैं। यस, अभी हमारे पास आए हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं, अभी ये हमारे साथ काम करेंगे मिलके। आसिम भाई, आपको कैसा लगा बास्किन में आके, बास्किन के लोगों के साथ काम करके? जी मुझे बहुत बेहतरीन लगा, माशाल्लाह यहाँ पे फैमिली की तरह रहते हैं हम, अच्छा काम है, अच्छी पे मिलती है, और इसके अलावा बेहतरीन माहौल है बस। ओके थैंक यू, आपसे मिलके अच्छा लगा।